हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन, जो बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। तो देखिए, अपने माप के हिसाब से मैंने कटिंग कर ली है। और देखिए, यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से हम शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, और आर्म होल की लंबाई 4.25 इंच है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग कर लें। यहाँ चेस्ट का 1/4 भाग 9.5 इंच, और 2 इंच हमारा मार्जिन का। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 38 साइज में बन रहा है। तो ऊपर से हम गले की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, पेस्टिंग पेपर का पीस लेंगे, और पेस्टिंग पेपर हमारा डबल में 5.5 इंच है, और इसकी लंबाई आप अपने गले के लंबाई के हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर से गले की जो चौड़ाई है वो हम 2 इंच 2 पॉइंट ले रहे हैं, और इस तरह से गले की लंबाई हम 11 इंच ले रहे हैं। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, 3 इंच ऊपर करके एक मार्क कर लेना है आपको, ताकि इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से आपको राउंड को घुमाना है। तो 3 इंच ऊपर से आपको डाउन करना है इस शेप को। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ताकि गले में मार्किंग करने में हमें आसानी हो। तो देखिए मार्किंग हमारी यहाँ पर, तो देखिए इस तरह से इसमें हम शेप देंगे। आपको ऊपर की साइड से शेप को लाना है, और बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा आपको अंदर की साइड गहराई देते हुए, और जो हम 3 इंच पे मार्क किए हैं वहाँ से हमें फिर राउंड शेप डाउन कर लेना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को हम डार्क कर लेंगे, ताकि हमें क्लियर समझ आए। तो हैवी साइज है, तो गले की चौड़ाई थोड़ा सा हम ज़्यादा ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम 2-2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, 2 इंच 2 पॉइंट, 2 इंच में 2 पॉइंट कम पे, देखिए इस तरह से। तो 2 इंच में 2 पॉइंट करके पूरे राउंड में हमें मार्किंग डार्क कर लेना है इस तरह से। देखिए इस लाइन को बिल्कुल राउंड देते हुए मिला लेंगे इसमें, और जो नीचे वाली मार्किंग की है उसको भी हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की जो गले की मार्किंग है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर के साइड भी मार्जिन के लिए बाहर के साइड 1 इंच दूरी पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, पेस्टिंग पेपर को ओपन करेंगे और फिर इसे हम फोल्ड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड की जो मार्किंग है बहुत ही क्लियर हमें इस साइड दिख रही है। तो हमको सेम उसी मार्किंग के ऊपर इस साइड भी मार्क कर लेना है, उसे डार्क कर लेना है अच्छे से। देखिए इस तरह से बहुत क्लियर दिख रहा है। तो देखिए अब इसको हम डार्क कर लिए हैं, और दोनों साइड हमारा गला का शेप आ गया है। और इसे अब हम बाहर के साइड नीचे से भी हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, पेस्टिंग को छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और देखिए इस तरह से इसे हम ओपन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा हमें गले का शेप मिल गया है। तो सबसे पहले सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें सेंटर का पता चल सके। अब हम ब्लाउज वाले पीस को लेंगे, सॉरी हमारा अस्तर वाला पीस है, तो अस्तर वाले पीस का भी हम सेंटर मार्किंग कर लेंगे। और इस तरह से जो पेस्टिंग पेपर वाला पार्ट है इस पर मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसे हम प्रेस से अच्छे से इसमें चिपका लेंगे। और देखिए जो हमारा साड़ी का पीस है उसका सीधा साइड होना चाहिए, और सीधे साइड के ऊपर हम अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए। या आप यहाँ पे पिनअप कर दें, ताकि आपका कोई भी पार्ट तिरछा ना हो। अब हम जो बाहर वाली हमारी लाइन है, देखिए जो गले की लाइन है, सेम उसी पर हमें सुई चलानी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आपको लाइन के बिल्कुल इधर उधर सुई को नहीं चलाना है। और जो नीचे के राउंड हम दिए हैं, नीचे का जो हमारा राउंड है, हमें सिलाई उस पर लगानी है। तो देखिए इस तरह से, ध्यान रहे जो ऊपर वाला हमारा गला का राउंड है उस पर सिलाई नहीं लगाना है, नीचे वाले पे लगाना है। देखिए कोना पे सुई को रोकेंगे, और फिर इस तरह से जिस तरह से हमारी मार्किंग है उसी पर सिलाई चला लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए गले में सिलाई अब हम लगा लिए हैं और एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए आपको बाकी कपड़े को कट करके निकाल लेना है। ध्यान रहे कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई को आपको छोड़ते हुए कट करके निकालना है इसे। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो अंदर की पार्ट है उसकी कटिंग हो गई है। अब हम जो ऊपर वाला जो हमारा नेक लाइन है उसे भी हम कट कर लेंगे और जो पीस हमारा निकल रहा है नीचे का उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसे अच्छे से रख देना है आपको, क्योंकि बाद में इसी को रख करके हमें पैटर्न तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब पूरे ही गले में हम छोटा छोटा कट लगा देंगे, उसके बाद से हम इसे रॉन्ग साइड पलट लेंगे। कट लगाने के हमारे फायदे हैं कि हमारा जो गला है अच्छे से पलट जाता है उल्टे साइड। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इस तरह से करते हुए बाहर की तरफ करते हुए अस्तर पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे कि ये जो सिलाई है आपकी अस्तर के ऊपर ही चलनी चाहिए। अब देखिए इस तरह से इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पूरे गले पे हम सिलाई लगा लिए हैं, अब इसे हम उल्टा करेंगे और उल्टे साइड करके अस्तर को मेन कपड़े से अच्छे से फिक्स कर लेंगे सिलाई लगा करके। तो देखिए फ्रेंड्स अस्तर हमारा ज्वाइंट हो चुका है मेन कपड़े से, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट करके निकाल देंगे चारों तरफ का। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लिए हैं, अब इसमें हम जो पीछे का हमारा प्लेट बनता है बैक साइड में उसे डालेंगे। तो इस तरह से देखिए एक साइड की हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, सेम उसी तरह दूसरे साइड भी प्लेट हम डाल लेंगे और उसके बाद से नीचे के साइड हम कमर पट्टी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर की साइड से हम कमर पट्टी को ज्वाइंट करके अंदर के साइड फोल्ड करते हैं और आप जितना कपड़ा मार्जिन में लिए हैं उतना ही इसमें दबाएं, आधा इंच हम लेते हैं कटिंग करते टाइम, तो सिलाई में आपको आधा इंच ही दबाना है। आप पट्टी को बाहर के साइड करते हुए एक रफ स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये सिलाई भी हमारी कच्ची सिलाई चलनी चाहिए क्योंकि इसे हम तुरपाई करके बाद में निकाल देते हैं। तो देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है, अब यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में एक पट्टी लेंगे हम, ये पट्टी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट में होनी चाहिए और देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम 3-4 पीस रेडी कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा नीचे का जो गला का राउंड के बीच का जो निकला था कपड़ा उसे हम लेंगे और बिल्कुल बराबर से मार्क कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो फ्रेंड्स ऊपर की साइड हमें बिल्कुल बराबर से मार्किंग करनी है और उसके बाद से देखिए साइड में हमें 1-1 इंच बढ़ा लेना है इस तरह से, जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो
दोनों साइड हमें एक एक इंच बढ़ा लेना है और नीचे के साइड हमें आधा इंच बढ़ाना है। तो अब इसको बाहर कर लेंगे और ढाई ढाई इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, देखिए इस तरह से, क्योंकि वो पट्टी हमारी 2 इंच में कटी है तो आधा इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं ढाई ढाई इंच पे हम मार्किंग कर ले रहे हैं पूरे राउंड को। तो उस लाइन को हम डार्क कर लिए हैं और अब यहाँ पे देखिए 3-3 इंच की पट्टी कट करेंगे इस तरह से। तो पट्टी हम पूरे पट्टी को कट कर लिए हैं। अब देखिए इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए इसमें हम मोती अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आपको मोती अटैच करके पूरे पीस को रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दूसरा पीस भी हम रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल सेंटर में आपको इसे रेडी करना है, मोती को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब हम देखिए जिसमें हम मार्क किए थे गले को रख करके उसको लेंगे और देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम इसे रख लेंगे और पूरे डिजाइन से हम कवर कर लेंगे इसको। तो देखिए इस तरह से पूरे ही हम राउंड को कवर कर लिए हैं डिजाइन से और उसके बाद से देखिए इसे कट कर लेंगे। अब दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे, नीचे के साइड भी। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे के पार्ट को भी हमें एक दूसरे से मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, नीचे के साइड सिलाई लगाने के बाद से जो हम लाइन ड्रॉ किए थे बिल्कुल उसके बराबर से हमें कट कर लेना है इस तरह से। और ऊपर के साइड भी देखिए जो हम लाइन ड्रॉ किए थे गले की मार्किंग की, उसी पर हमें कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर हम उरेवी पट्टी लेंगे इस तरह से। देखिए ये पट्टी हमारी लगभग 1.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए और इसे उल्टे साइड से ज्वाइंट करके हम सीधे साइड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक चाप कपड़ा हमें मार्जिन में लेना है, इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है। और इस तरह से देखिए पट्टी को बिल्कुल खींचना नहीं है आपको, आराम आराम से जैसे आपका गला का राउंड है उस तरह से आपको राउंड देते हुए पट्टी को ज्वाइंट कर लेना है। अब हम सीधा करेंगे और सीधे साइड करके देखिए इस तरह से जितना चौड़ा आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको फोल्ड करके कॉर्नर पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए आपको बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है पट्टी को, पट्टी आपकी चौड़ी या पतली नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई हमारी लग चुकी है पट्टी के ऊपर। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और सबसे पहले सेंटर मार्किंग कर लेंगे। तो ब्लाउज को भी फोल्ड करके इसका भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब डिजाइन को सेंटर से मिलाते हुए यहाँ पे पिनअप कर लेंगे और उसके बाद से सिलाई लगा करके इसे हमें ब्लाउज में अटैच कर लेंगे डिजाइन को। तो देखिए हमें यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है एक किनारे से, और आपको एक चाप कपड़ा इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मोती हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है एक पीस, तो मोती को हम कट कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजीली हमारा डिज़ाइन ज्वाइंट हो चुका है। और अब यहाँ पे हम लेस लेंगे, आप अपने ब्लाउज के मैचिंग से कोई भी लेस ले सकते हैं। और देखिए सबसे पहले ऊपर का जो हमारा गला का राउंड है उसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो जो आप पाइपिंग इसमें चपटी वाली पाइपिंग आप लगाए थे उसको आपको थोड़ा सा बाहर की साइड दिखाना है, पूरे पाइपिंग को नहीं ढकना है। तो देखिए इस तरह से ऊपर की साइड हमारी लेस लग चुकी है, और देखिए नीचे के साइड भी इसे हम लगा लेंगे। अब यहाँ से लेस को कट कर लेंगे और देखिए अब हमें लेस ऊपर की साइड से ज्वाइंट करते किनारे तक आना है, देखिए इस तरह से। तो जिस तरह से आपका गला का राउंड है आप उसी तरह से इसमें लेस ज्वाइंट करें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो जहाँ से आप लेस स्टार्ट किए थे उसको आपको कवर करना है, यानी उसे ढकना है इस पट्टी से, ताकि वो आपका लेस का किनारा उजरे ना। तो देखिए यहाँ तक हम लेस लगा लिए हैं और बस इसके 1 इंच की दूरी पे एक और लेयर लेस लगा लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरह दूसरे साइड भी हम लेस लगा लेंगे और उसके बाद से हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो देखिए दूसरे साइड भी लेस हम लगा लिए हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद से इस पेपर को हम निकाल लेंगे और उसके बाद से देखिए डिज़ाइन का फाइनल लुक कितना फैंसी आया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे